बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को लेकर एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बागेश्वर धाम को सिद्ध स्थान तो बताया, लेकिन भिंड के ददरुआ में कथा के दौरान मची भगदड़ में हुई महिला की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि आयोजक ने अपने पापों को छिपाने के लिए पूरा आयोजन किया था। गोविंद सिंह ने ठेकेदार पर कारम डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि आयोजक को बीजेपी के मंत्री विधायकों को संरक्षण है, इसलिए वो संत महात्माओं की आड़ लेकर ऐसे काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि आयोजन में पापी का पैसा लगा है, इसलिए हादसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का लवादा ओढ़कर, मंत्रियों से गठजोड़ कर, उनसे साठ कर व्यापार में भागीदार कर और संत महात्माओं की आड़ लेकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, और यही कारण है कि ऐसे पापी का पैसा लगा। मैंने इसलिए बागेश्वर धाम के कथा सुनना उचित नहीं समझा।